गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से साहिल सचिन व्लॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत अरसे के बाद दोस्तों मैं एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। DSC का अभी रिसेंटली हमारे को सामान रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप भाइयों के साथ एक अनबॉक्सिंग की वीडियो शेयर की जाए। तो देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे जल्दी से। हमने बॉक्स सिर्फ ओपन करके रखे हैं, सामान कुछ भी हमने चेक नहीं किया है। ये देख, आप देख भी सकते हैं बॉक्स को, देखे कि प्रॉपरली पैक्ड है, सिर्फ टाइम सेव किया है कटिंग करने में। सो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें आया है DSC का ये क्रिकेट बैग है, रेबल प्रो डफल, विदाउट व्हील है, इसमें व्हील नहीं है। और अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो निकाल के भी दिखा, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसका ये बिल्कुल शेप आएगा जब इसमें सामान आ जाएगा। और अगर मैं इसमें स्पेस की बात करूं तो बहुत अच्छा स्पेशियस बैग है, विली नहीं है, इजी टू कैरी है, आप अपने शोल्डर्स पे हैंग करके इसको ले जा सकते हैं। और अगर मैं स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने आई थिंक बैट के लिए पॉकेट दी है। जी हाँ, ये देखिए आप इसमें तीन बैट्स बहुत इजीली आ सकते हैं, वन, ये देखिए 1, 2 और 3, बहुत अच्छी पॉकेट है, डीप पॉकेट है, ताकि आपको बैट्स रखने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। यहाँ पे भी कुशनिंग है और यहाँ पर भी कुशनिंग है, ताकि अगर हमने अपना बैग ऐसे रखा हो तो बैट्स हमारे डैमेज ना हो। देन इसमें यहाँ पे इन्होंने एक पॉकेट दिया है, देखते हैं ये भी क्या है। ये हेलमेट के लिए स्पेस दिया है, बहुत अच्छा खुला स्पेस है, ये देखिए आप, बहुत डीप पॉकेट दी है ये भी। देन फ्रंट लोडिंग्स के लिए इन्होंने यहाँ पे सामान रखने के लिए भी हमें, ये देखिए पूरा यहाँ पे पूरा स्पेस दिया है दोस्तों अंदर से, बहुत अच्छा स्पेशियस डफल बैग है ये विदाउट विली के। और ये आपका शू पॉकेट आ गया। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 7149 इसका MRP है दोस्तों, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेम है इसमें, ये भी सेम है और नीचे वाला भी सेम है। अगले बॉक्स की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। अगले बॉक्स में देखते हैं क्या है इसमें। मुझे लग रहा है जूनियर डफल है, सेम मॉडल है, रिबल 6 पीस आए हैं इन्होंने यहाँ पे, देखिए लिख के दिया है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी। और ये विद व्हील हैं, दीज आर विद व्हील्स, बहुत अच्छे ट्रैक्टर व्हील इसमें यूज हुए हुए हैं। जल्दी से आपको अनरैप करके इसके मेन फीचर्स मैं आपको बतला देता हूँ। सबसे पहला फीचर मैं आपको बता चुका हूँ, विद व्हील है, सपोर्ट अच्छी है। यहाँ पे देखिए बैक में पूरा प्लेट दिया हुआ है प्लास्टिक का, ये सपोर्ट्स जो दो दी हुई हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। देन अब बात करते हैं हम, ये किट बैग है, ये डफल नहीं है दोस्तों, ये डफल, ये किट बैग विली है, आप इसको लेके स्क्रॉल कर सकते हो, राइट, या आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो। देन हम बात करें अगर इसकी स्पेस की, अब हम इसकी स्पेस की बात करते हैं, ये इसका मेन कंपार्टमेंट आ गया है। अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसमें सारा आपका सामान आ जाएगा, बहुत अच्छी स्पेशियस, अच्छी, बहुत अच्छी स्पेस दी हुई है, देख सकते हैं कुशनिंग साथ में दी हुई है यहाँ पे। और बैट डालने के लिए साइड में एक पॉकेट ये दी है, यहाँ पे आपका बैट आ जाएगा और कुशनिंग है, दोनों साइड पे कुशनिंग है। देन सेकंड बैट आई थिंक आपका, जी हाँ, सेकंड बैट के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू जस्ट, मुझे ये आपको इन्होंने एक पॉकेट दी है, इसमें और स्पेस आ सकता है, और स्पेस इन्होंने ऐड किया है, यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया है इसके थ्रू। ये देखिए बहुत अच्छा लंबा कंपार्टमेंट है, बहुत अच्छी चेन दी हुई है जिपर के साथ में, और आप उसको अपना बाकी का सामान रख के यहाँ पे जिप लगा के इसको रख सकते हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ, इसमें इन्होंने कुछ साइड पॉकेट्स भी दी हुई हैं, ये देखिए दोस्तों, दो साइड पॉकेट्स हैं यहाँ पे, और एक और बैट का स्पेस आई थिंक सो। अब मुझे इसका
थोड़ा सा यूज समझ आ रहा है। जी हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे एक्चुअल किट बैग ये बना दोस्तों। तो यहाँ से हमने इसको ये इसका किट बैग होगी। यहाँ पे आपको पूरा स्पेस आ जाएगा आपका यूटिलाइज करने के लिए, आपके लेग गार्ड, ग्लव्स, हेलमेट, सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। देन एक पॉकेट और दी हुई है यहाँ पर, ये इन्होंने शू रखने के लिए पॉकेट दी है। यहाँ पे आपके शूज़ आ जाएंगे बहुत ईजिली, या आपका हेलमेट भी आ सकता है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके बैट्स भी आ जाएंगे, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैट है, एक बैट की पॉकेट यहाँ पे दी है और बाकी बैट्स आपके यहाँ पर भी आ जाएंगे अगर आप उनको कवर के साथ में रखते हैं तो। और अगर मैं इसकी अब प्राइस की बात करूँ, इसका टैग, प्राइस टैग दोस्तों, इसका प्राइस है दोस्तों 7249 रुपीज़ इसका प्राइस है। अब हम बढ़ेंगे अगले बॉक्स की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया अगला बॉक्स। इसमें ये आई थिंक उल्टा ओपन हो गया है अगेन, इसमें भी व्हील्स हैं और मैं सबसे पहले आपको इसका MRP बताऊंगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देखेंगे, चेक करेंगे। इसका प्राइस है 6949 और ये भी रेबल डफल है विद व्हील्स है। ये वाला विद व्हील्स है, जो सबसे पहले हमने दिखाया था वो विदाउट व्हील है और ये विद व्हील है। स्पेस सिमिलर है, ये देखिए हैंग करने के ऑप्शन भी है और व्हीली भी साथ में आ गया। रेस्ट ऑल द फीचर्स आर सेम इस बैग के। चलिए हम चेक करते हैं और क्या है इसके अंदर, शायद हमें कुछ और दिखे। मैं आपको, जी हाँ, ये देखिए दो छोटे इसमें डफल्स आए हैं बच्चों के लिए, जूनियर डफल्स। 3275 इसका MRP है दोस्तों। और इसको भी हम देखते हैं, वाओ, साइड में बैट पॉकेट साइड में दिए, यहाँ पे ओपन है आप इजीली, और कुशनिंग है, बहुत अच्छी कुशनिंग है। बेस्ट पार्ट ये है, ये कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, रेड ब्लैक का कॉम्बी। ये हम, मैं ये भी कह सकता हूँ कि कैमो शेड्स हैं ये, जो बहुत ल्यूक्रेटिव लगती हैं देखने में। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है डफल में, चाहे वो मैं पैडिंग की बात करूँ या आउटर क्लोथ की बात करूँ, इनर क्लोथ की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ। ये देखिए नीचे यहाँ पर इन्होंने शू पॉकेट दी है और यहाँ पे ये सारा टॉप लोडिंग है। यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीट किट आ जाएगी, बैट आपका बाहर आएगा और दो बैट की स्पेस इसमें है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। बहुत इजीली हैंग होके ये आप इसको कैरी कर सकते हैं दोस्तों, राइट। सो देखते हैं और कुछ है क्या, सेम है, ये भी सेम है, रेस्ट ऑल द आइटम्स आर सेम। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। सो अब इसमें क्या खजाना है, ये मेन खजाना है दोस्तों, ये देखिए, ये बैट्स बहुत खास हैं, ये मेरी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। देखते हैं क्या क्या आया है। GM के बैट्स हैं, सबसे पहले GM का बैट मेरे हाथ में लगा है, तो देखते हैं क्या है। वाओ, GM हाइपा 707 और ये देखिए दोस्तों 24129 इसका MRP है। शॉर्ट हैंडल में बैट है, सीधा प्रोफाइल, फुल प्रोफाइल में बैट है। टो देखिए बैट का, बहुत अच्छा है। अब क्विकली मैं अगर इसका वेट चेक करूं, हर बैट का वेट नहीं चेक कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अराउंड 1200 ग्राम में ये बैट है दोस्तों, लेकिन पंच जरूर दिखाऊंगा। और ओ वाओ, तबाही पंच है दोस्तों, तबाही, पागल कर देने वाला। और ग्रेन देखिए,
1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रेन्स में इस बैट में है दोस्तों। नेक्स्ट बैट देखते हैं, बीएससी का मेरे बैट मेरे हाथ में लगा है, कॉन्डोर ड्राइव। कॉन्डोर ड्राइव पहले ग्रेन्स देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रंट से बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लीन फेस है। हल्का सा अगर मैं इस मार्क को, इस मार्क को इग्नोर कर दूं, पीछे मार्क्स हैं हल्के से। और प्राइसिंग की बात करूं तो बजटेड रेंज में है, 10,829 रुपीज़ इसका एमआरपी है। मैसिव मोटा प्रोफाइल है बैट का, भरा हुआ स्पाइन है, अंदाजा 42-43 mm के करीब इसका एज होगा। और कॉनकेविंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत माइनर सी या हल्की सी। बहुत दिनों के बाद अनबॉक्सिंग बन रही है तो आई एम एंजॉइंग इट, आप एंजॉय कर रहे हैं प्लीज कमेंट करें। नेक्स्ट बैट अगेन डीएससी ड्राइव है, मैं आपको ऑलरेडी एक बैट दिखा चुका हूँ इस कैटेगरी में तो मैं आपको ये वाला बैट शो ऑफ नहीं करूंगा। देन इंटेंस स्पीड, इंटेंस की फैमिली में इंटेंस स्पीड आया है। नाउ लुक एट द फेस, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स है बैट में। प्रोफाइल देखिए अगेन 42-43 mm एज होगा, स्पाइन 65-60 mm के करीब है, 66 mm के करीब है। और पंच वाओ ब्यूटीफुल। सो नेक्स्ट बैट भी जीएम का 707 हाइपा है, HYPA। और कस्टमर्स का भी टाइम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे अराउंड 8 o'clock हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स हैं। वाओ लुक एट द प्रोफाइल, डकबिल शेप में आई हूँ कहिए, प्लेयर प्रोफाइल में 42-43 mm एज है, स्पाइन 66 या 67 mm होगा बहुत इजीली। प्राइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इसका, वाओ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे से फाइनल प्राइस की क्वेरी कर सकते हैं। 24129 इसका एमआरपी है दोस्तों। नेक्स्ट बैट की तरफ बढ़ता हूँ, जीएम का ही बैट है ये भी, आइकन देखते हैं मॉडल कौन सा है, 444। ये देखिए दोस्तों फेस देखिए बैट का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रेन्स है बैट में। हल्का सा यहाँ पे नॉट का मार्क लग रहा है मुझे, बट हम पंच देखेंगे पहले। यहाँ पे इसकी पंच को कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, पंच बहुत अच्छा आ रहा है, बाउंस बहुत अच्छा आ रहा है बॉल में। तो ये देखिए 42 mm एज है, 15,029 रुपीज़ इसका एमआरपी है। अगेन डकबिल शेप में बैठा है, बहुत ही प्यारा फील, बहुत अच्छा है। और फील मुझे अराउंड 1180-90 ग्राम्स का आ रहा है। चेक करते हैं क्या है वेट इसका जल्दी से। 1200 ग्राम का बैट है, फील 1180 ग्राम के आसपास मुझे इसका आ रहा है। अब जीएम 333 मॉडल नेम, ये देखिए दोस्तों ग्रेन्स 1, 2, 3, 4, 5 और 5 ग्रेन्स हैं इस बैट में। प्रोफाइल अगेन डकबिल शेप है या डॉल्फिन भी कह सकते हो आप, और प्लेयर प्रोफाइल भी कह सकते हो आप। 11,729 रुपीज़ ओनली, मेरे ख्याल में ये स्टार्टिंग रेंज है जीएम का। वीडियो बहुत लंबी जाएगी लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप सारी देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, स्प्लिट 400, क्योंकि ये अनबॉक्सिंग हो रही है। बहुत ही प्यारा मुझे ये स्टिकर कलर बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है, ग्रीन वाइट ब्लैक का कॉम्बी। प्राइस 28,475, मॉडल नेम स्प्लिट 400। प्रोफाइल देखो खतरनाक ज़बरदस्त कत्ल प्रोफाइल है, सेम डॉल्फिन शेप में है, भरा हुआ स्पाइन है, एज इज अराउंड 42 mm के करीब है। वाओ अब आपको ग्रेन्स बताऊं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रेन्स इस बैट में है दोस्तों। दोस्तों डीएससी और जीएम के मैक्सिमम बैट्स के वेट जो है, जो मेजॉरिटी या एवरेज आएगी 1200 ग्राम्स के आसपास आएगी, बिकॉज इनके एजेस बहुत मोटे होते हैं तो ये पतले बल्ले, इसलिए उनका वेट हैवी हो जाता है दोस्तों। तो जो बैट
रिपीट हो रहा है, मैं वो बैट आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, अब आया है एक्सलाइट 5.0। सबसे पहले एमआरपी बता देता हूँ, 13,399, 13,399 रुपये। ये इनकी लाइट वेट की सीरीज़ है। अब मैं आपको इसका वेट बताता हूँ, ये बल्ला मुझे उठाने में भी बहुत लाइट पिकअप दे रहा है, 1110 ग्राम ओनली, 1110 ग्राम। एज इज अराउंड 39 mm के करीब होंगे, स्पाइन 60 mm के करीब होगा। फेस देखिए बैट का, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेन्स है बैट में। पंच ओके टाइप है मेरे लिए, बहुत अच्छा पंच नहीं है दोस्तों। सो नेक्स्ट है जीएम का ब्रावा 444। अगेन पहले आप फेस देख लीजिए बैट का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स हैं बैट में। अब आप प्रोफाइल देखिए बैट की, अगेन सेम डकबिल शेप या डॉल्फिन शेप में बैट है। 15,029 इसका एमआरपी है। स्पाइन से मीट से भरा हुआ है और एज भी बहुत अच्छा है, 40 प्लस इसका एज होगा। वाओ, पंच एक नंबर, खतरनाक। इस बॉक्स का लास्ट बैट हाइपा 606 बैट में देखिए ग्रेन्स काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स हैं इस बैट में। प्रोफाइल सेम है, डकबेल 20,675 रुपीज़ इसका एमआरपी है दोस्तों। साउंड बहुत प्यारी आ रही है बॉक्स से। अब हम बढ़ते हैं अगले बॉक्स की तरफ, इसमें भी कुछ नए स्टिकर वाले बैट्स मुझे नज़र में आ रहे हैं दोस्तों। अनबॉक्सिंग हो रही है दोस्तों, ब्लू 222, नया कवर, नए डिज़ाइन में, नए लुक में इन्होंने कवर ये आया है अभी हमारे पास। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा है, अपीलिंग लग रहा है मुझे पर्सनली। और अब मैं इसमें बॉक्स में डालना शुरू करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगेन डकबेल शेप में है, 43 mm एज होगा इस बैट का। पिकअप मुझे बहुत लाइट हो रहा है इस बैट का फिर, लेकिन अगेन 1205 ग्राम में ये बैट है दोस्तों। पंच पंच बहुत प्यारा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स इस बैट में है दोस्तों। नेक्स्ट जीएम का ब्रावा 707, जल्दी से देखता हूँ, मुझे इशारे हो रहे हैं कि वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा फास्ट करो। ग्रेन्स देखिए बहुत अच्छा स्ट्रेट ग्रेन्स है इस बैट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स हैं। और प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मोटा प्रोफाइल का बैट है ये, डकबेल शेप है। 24,129 इसका प्राइस है। राउंड हैंडल में, सबका अभी तक हैंडल जो है वो राउंड ही आया है, अगर ओवल आता है सेमी ओवल आता तो मैं ज़रूर आपको नोटिस में डालता। सेम मॉडल है दोस्तों, जल्दी से दिखा देता हूँ, प्राइसिंग आपको पता है ऑलरेडी। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेस है इसका भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन और एट ग्रेन्स हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त, वाह, व्हाट अ मैसिव प्रोफाइल। डॉल्फिन शेप में है ये टिपिकल, या प्लेयर प्रोफाइल में है, माउंटेन की तरह उठा हुआ स्पाइन है। एज 43 mm से कम बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही प्यारा फील और पंच है इस बैट का। अब अगेन ब्लू 222, सेम कवर, सेम स्टिकर, सब कुछ सेम है। ये देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आई होप लाइट की रिफ्लेक्शन बैट के फेस पे नहीं आ रही है, अगर आ रही है थोड़ा एंगल चेंज करो। फेस क्लियर दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। पंच बहुत अच्छा है, प्राइस 15,800 रुपीज़ ओनली। ब्लू 100, ये देखिए दोस्तों अगला बैट है ब्लू 100। कवर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है यार ये वाला। प्राइस की बात करूँ तो 10,900 रुपीज़ इसका एमआरपी है। अब आपको फेस दिखा देता हूँ,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स इस बैट में हैं। हल्का सा यहाँ पे ब्लेमिशेस के मार्क हैं या वाटर मार्क्स कह सकते हो आप हैं, बट वो वाओ पंच खतरनाक है। फुल प्रोफाइल में ये बैट है और एजेस 40 प्लस हैं। स्पाइन अगेन 63-65 के बीच में होगा इसका। अब मैं लाया हूँ यूरेका ग्लिंट। अभी एक बॉक्स और पड़ा है दोस्तों, साथ में चलना है, बाद में जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये देखिए यूरेका ग्लिंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स हैं इस बैट में। प्राइस है 22,729 रुपीस। डॉल्फिन शेप में बैट है। ये देखिए मुठा हुआ स्पाइन है और एकदम नीचे की तरफ आ रहा है और माउंटेन की तरह उठा हुआ स्पाइन है। एच इज अराउंड 40-41 mm के करीब है। राउंड हैंडल में वाओ। दोस्तों मैंने पर्सनली एक चीज नोटिस करी है, आई डोंट नो आप भी ये चीज नोटिस करते हो कि नहीं करते हो, जो ये प्लेइंग एरिया होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में जो पंच होता है ना खतरनाक होता है, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, इसीलिए शायद इसको प्लेयर प्रोफाइल भी बोलते हैं कि सो दैट कि क्योंकि प्लेयर मोस्टली मिडल करते हैं, मिस टाइम उनका बहुत कम होता है, तो इस एरिया में बहुत ज़बरदस्त पंच होता है। सो मतलब मैसिव पंच है इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे इस बैट का, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप ये वाली शेप प्रेफर करते हैं तो। देन ब्लू 100 मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको एक बैट। अगला बैट ब्लैक 400। क्विकली आपको ये बैट दिखा रहा हूँ मैं। अराउंड 20 के करीब में बैट्स हम इस वीडियो में रिव्यू कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ग्रेन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक वाटर मार्क का निशान यहाँ पे है। 28,475 इसका MRP है। ये देखिए फुल प्रोफाइल में बैट है दोस्तों और एजेस 42 mm के करीब है। वाओ बहुत प्यारा इसका पंच है। बहुत ज़्यादा जोर में नहीं लगा रहा हूँ। अब 606 GM का एक और बैट आया है निकल के सामने। फेस देखिए पहले बैट का, ग्रेन्स काउंट कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट ग्रेन्स हैं। ऑलमोस्ट क्लीन फेस है, छोटा सा वाटर मार्क यहाँ पर है। और ये देखिए अगेन इट इज़ अ प्लेयर प्रोफाइल और डॉल्फिन शेप में बैट है। 40 प्लस इसका एज है और स्पाइन 65-66 mm या उससे ज़्यादा होगा। ये देखिए अगेन जैसा मैंने बोला था आपको कि पर्टिकुलरली ऐसे शेप में, इस पर्टिकुलर शेप में बहुत प्यारा पंच निकल के सामने आ रहा है। अगला बैट है ब्लैक 200 वाइट ग्रेन्स के साथ में। 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेन्स हैं बैट में। फुल प्रोफाइल में बैट है। 13,400 रुपीज़ इसका MRP है। वाह ये क्या, इन्होंने सोचा कि शायद मैं डॉल्फिन की ही तारीफ कर रहा हूँ तो हम भी कुछ जलवा दिखाएं। अगला बैट है इंटेंस एटीट्यूड। ये एटीट्यूड वाला बैट है दोस्तों। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 वाइट ग्रेन्स के साथ में बैट है। स्टिकर कलर रेड ब्लू वाइट और येलो की आउटलाइनिंग है। फुल प्रोफाइल में बैट है दोस्तों। MRP है 13,375 रुपीस ओनली। वेट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी आइडिया दे चुका हूँ। अब मैं इंडिविजुअल बैट का वेट करके दिखाऊंगा तो दोस्तों ये वीडियो एक घंटे की बन जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इंटेंस एटीट्यूड एक और है, दो एक और है, तीन, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको। अब है इंटेंस शॉक। ये देखिए दोस्तों इंटेंस शॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट ग्रेन है इस बैट में। हल्के हल्के कहीं पे वाटर मार्क्स या स्कार मार्क्स हैं बैट में। प्रोफाइल की बात करूं तो अगेन डॉल्फिन शेप में बैट है। 20,450 रुपीस में बैट है। MRP है इसका। वाह हल्का सा आपने सिर्फ हल्का सा टाइम करना है, बॉल स्टेडियम के बाहर चली जाएगी दोस्तों।
डीएससी का इस बॉक्स का लास्ट बैट है एटमॉस। सी द फेस 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेन्स हैं, फुल प्रोफाइल में बैट है, प्राइस 13,899 रुपीज़ ओनली। दोस्तों इसके फेस को देखते हुए ये बैट इस पर्टिकुलर ग्रेडिंग में या कैटेगरी में बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। अब पंच, वाह वाह वाह, जबरदस्त पंच है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे लास्ट बॉक्स की तरफ। इसमें वाह बैग निकले, बैग्स भी निकले दोस्तों। इसमें कौन सा बैग है, हम इसमें है रेबल रिवॉल्ट डफल 4799 इसका एमआरपी है। जरा यहाँ पे कैमरे का फोकस लाइए, रेबल रिवॉल्ट डफल 4799 विदाउट विली ये बैग है। और आई थिंक इस बॉक्स में सारे यही वाले बैग हैं दोस्तों। सो ये देखिए, जो लोग कम बजट में कॉर्पोरेट प्लेयर्स डफल बैग, दैट टू विद वेरी गुड क्वालिटी। मैं एक चीज़ की आपको अश्योरेंस दूंगा डीएससी की तरफ से कि चाहे वो बैग 7000 रुपीस वाली एमआरपी का हो या 3200 वाले का हो या ये वाली प्राइसिंग है, कहीं पे भी क्लोथ क्वालिटी में या कुशनिंग की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस आया है, दैट्स इट। बहुत प्यारा बैग है देखने में। और यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन पीछे दिया है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे चेंज किया है इन लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे एक पॉकेट दे दी है फ्रंट पे, कोई भी आपकी मिसलेनियस आइटम्स रखने के लिए या टिफ़िन बॉक्स वगैरह रखने के लिए। देन ओवरऑल इट इज़ अ, आई थिंक इट इज़ अ टॉप लोडिंग बैग। यस, ये देखिए आप इसको ऊपर से लोड कर सकते हैं, सारा सामान आपका यहाँ आ जाएगा। अगर मैं साइड पॉकेट्स की बात करूँ तो ये लेग गार्ड के लिए इन्होंने स्पेस दिया है। यहाँ पे आपके दोनों लेग गार्ड बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाएंगे, साइड पे भी आ जाएंगे। बैट्स के लिए दो बैट्स के अंदर इन्होंने, तीन बैट्स के लिए सॉरी, स्पेस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और शू पॉकेट देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ ये शू पॉकेट ही है या क्या है। यस जी हाँ, ये शू पॉकेट है। अब यहाँ पर बहुत ईजिली आपका शू का एक पेयर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड बैग। बैग चार कैटेगरीज में मैंने आज बैग्स या पांच कैटेगरीज में बैग रिव्यूज किए हैं। जूनियर के लिए डफल अराउंड 3275, देन 4700 की रेंज में, देन 6000 की रेंज में एंड 7000 की रेंज में। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग या अपने सामान के अकॉर्डिंग डफल बैग ऑर्डर कर सकते हैं। बैट्स मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, GM और DSC के बैट्स आए हैं, अराउंड 25 के करीब ये बैट्स आए हैं। सबके पंच एक से बढ़ के एक हैं, सिवाय मुझे एक बैट के का पंच अच्छा नहीं लगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो हर बैट पे, हर आइटम पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। वर्ल्ड वाइड हम लोग शिपिंग करते हैं दोस्तों, दुनिया का कोई भी कोना नहीं है इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहाँ पर हम सामान नहीं भेजते। तो जो भी भाई लेना चाहते हैं, थंबनेल पे मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है बिगी क्रिकेट, हमारा यूट्यूब चैनल है साहिल सचिन व्लॉग, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगली वीडियो मिलेंगे, गुड बाय, ओम शांति, थैंक यू।